नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माहौर व्लॉग्स में। और आज का ये जो व्लॉग है ये है ओरछा के राम मंदिर के बारे में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने ओरछा आने के लिए कौन सा रूट फॉलो किया था, मैं बाय रोड आया था। जिन लोगों को ग्वालियर से या फिर दिल्ली से ओरछा आना है बाय रोड, वो जाके उस वीडियो को देख लें, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप मेरा चैनल माहौर व्लॉग सब्सक्राइब कर लें, वहाँ जाके उस वीडियो को देख लें। तो मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ प्रभु श्री राम के दर्शन करने, और बाकी की बातें हम दर्शन करने के बाद करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ राम मंदिर पर, ओरछा का जो राम मंदिर है, रामलला का मंदिर जिनको कहा जाता है ओरछा का। मैं वहाँ राम मंदिर पर आया था और मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए हैं। और बाकी अब आगे जो है ओरछा में घूमने के लिए काफ़ी कुछ है। मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ, ओरछा फोर्ट जाऊँगा, फिर उसके बाद रिवर साइड जाऊँगा, और जो भी यहाँ पर कुछ भी है वो ट्राई करूँगा पूरा एक्सप्लोर करने का। और आप सभी को, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, उन सभी को मैं वो वीडियो आगे डिलीवर करूंगा, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। और अंदर तो कैमरा उन लोगों ने अलाउ किया नहीं, हमारे भारत के किसी भी मंदिर में अंदर वो लोग कैमरा अलाउ नहीं करते। केदारनाथ गया था, वहाँ पर भी अलाउ नहीं किया था, फिर उसके बाद बद्रीनाथ गया, वहाँ भी अलाउ नहीं था, यहाँ पर आया उसके बाद भी मेरा कैमरा इन्होंने बंद करवा दिया कि आपका कैमरा अंदर अलाउ नहीं है। तो मेरे इस तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो है राम मंदिर, वो वहाँ पर उसका एंट्रेंस और एग्जिट है। तो ये राम मंदिर है मेरे पीछे, और ये है चतुर्भुज मंदिर जिसको कहा जाता है मेरे पीछे की तरफ। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या है यहाँ देखने के लिए। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, दर्शन हो गए हैं और मैं जा रहा हूँ अब बाहर की तरफ। और एग्ज़िट कहाँ से है यार, बाहर जाने का रास्ता ये है शायद। तो मैं जा रहा हूँ बाहर, और इसके बाद हम जाएंगे ओरछा फोर्ट। ये बाहर का रास्ता है, एग्ज़िट है। आज ठीक है, आमतौर पे जितनी भीड़ होती है मंदिर पर उतनी नहीं थी, तो ठीक रहा, दर्शन भी अच्छे से हो गए। बताइए कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? हमारा 30 साल हो गए। 3 साल हो चुके हैं, मतलब आप प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए हैं 30 साल। राम की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल। और अपना वास है यहाँ मऊरानीपुर से, मऊरानीपुर जिला झांसी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दादा, कुछ प्रभु श्री राम के लिए हो जाए। जय जय हो सीता राम, 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 राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राम, राधे राम, राधे राम, जय हो जय हो। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया।
अब भूख बहुत लगी थी तो क्या करें, अभी पास ही में मंदिर के बाहर ही लोकल जो स्ट्रीट है वहाँ पर अच्छा खाना देते हैं, आपको अच्छे खासे रीजनेबल प्राइस पर यहाँ पर खाना मिल जाएगा, वेज खाना मिल जाएगा। तो बस मैंने भी ऑर्डर कर दिया है और मेरा आने वाला हुआ खाना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये है अपना देसी खाना, एकदम देसी खाना, तवा रोटी विथ बटर और मटर पनीर के साथ मिल गया है ये आपको, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मिल गया है। और वैसे भी कभी आप बाहर जाओ तो सादा ही खाना खाओ, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, वही ठीक रहता है। तो मैं खाने का मज़ा लेता हूँ और आप वीडियो का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों लंच हो गया है, लंच कर लिया है, अब उसके बाद जा रहे हैं फोर्ट की तरफ, ओरछा फोर्ट के लिए। और यहाँ मंदिर के बाहर ही लंच किया मैंने, एक रेस्टोरेंट है, तो ये है भोला रेस्टोरेंट एंड कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर मैंने अभी लंच किया, अच्छा खाना है, सस्ता खाना है, तो ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खाना आपको यहाँ मिल जाएगा।